मॉर्निंग गाइस, आज नया दिन और आज मैं चाह रहा हूँ थोड़े शॉपिंग जितने जो मॉल्स हैं, मेन जो मॉल्स होते हैं टूरिस्ट के लिए स्पेशली जो होना चाहिए, मैं वहाँ जाने का भी प्लान में हूँ। अभी मेरा मोटरबाइक टैक्सी का ऑर्डर कर दिया हूँ, गाड़ी आ रहा होगा। मैं MRT बस में नहीं जा रहा यार, क्योंकि जब ऐसे टूरिस्ट आया हूँ तो यार इतना चिंदी टाइप का करके भी फ़ायदा नहीं। बाइक में जाऊंगा, जल्दी पहुंचूंगा 20-30 मिनट में। ट्रेन लूंगा वो 1 घंटा के ऊपर लगेगा, तो मेरे को टाइम बचाना है यहाँ पे, ना ही पैसा। थाईलैंड आया हूँ तो पैसा तो बचाना है, बचाने के लक्ष्य तो आया नहीं हूँ। तो अभी गाड़ी का वेट कर रहा हूँ मैं, अपने हॉस्टल के बाहर इसे देख पा रहे हो, हॉस्टल पता नहीं यार यहाँ लिखा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ प्लैटिनम मॉल, जो कपड़े के लिए बहुत फेमस है। इंदिरा मार्केट सब आई थिंक आपको वैसे भी लोग दिखाई देते हैं, पर मैं थोड़ा डिफरेंट दिखा रहा हूँ। मैं प्लैटिनम मॉल दिखा रहा हूँ, प्लैटिनम मॉल दिखा रहा हूँ, प्लैटिनम शॉपिंग दिखा रहा हूँ, जो प्लैटिनम मॉल के ठीक बाजू में है। और फिर एक शायद गेमिंग आर्केड पे जाने वाला हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट आज मैं लेट से उठा 11 बजे के बाद, तो मेरे हॉस्टल में 7 से 11 तक का ही ब्रेकफास्ट है, फ्री ब्रेकफास्ट छूट गया। तो मैं जा रहा हूँ मैकडोनल्ड्स, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करूँगा एंड पूरा घूम के आऊँगा। मैं अभी कुछ ख़रीदने वाला नहीं हूँ, मैं खुद सोच रहा हूँ क्या खरीदूँ यार, इतना बड़ा बैग लेके क्या जाऊँगा। तो मैं शॉपिंग कुछ नहीं करने वाला, बस घूम के देख के आने वाला हूँ, और आपको भी दिखाऊँगा वहाँ पे क्या क्या मिलता है, क्या क्या रेट पे मिलता है। चलिए अभी मिलेंगे प्लैटिनम मॉल पे। मैं अभी प्लैटिनम मॉल आ गया हूँ। मेरे पीछे जैसे देख सकते हैं, तो सामने रहा प्लैटिनम मॉल। नीचे जो रास्ता है, सॉरी, नीचे मेरे को अपना बाइक टैक्सी वाला मेरे को छोड़ दिया था, जहाँ टुकटुक खड़ा है वहाँ पे मेरे को वो बाइक टैक्सी वाला छोड़ दिया था। और या ओवर ब्रिज पे आया हूँ, जहाँ से बेस्ट व्यू मिलता है प्लैटिनम मॉल का, मतलब प्लैटिनम फैशन मॉल जो है, इसका बेस्ट व्यू बस इसी ओवर ब्रिज से मिल सकता है, यहाँ पे मैं हूँ। तो शायद बीच में चाहो तो एक फ़ोटो में इसमें दिखाऊँगा आपको, बेस्ट व्यू है इसका मॉल का। और आपका एंट्री नीचे से भी है एंड ऊपर ये स्काई वॉक से भी है। चलिए अंदर देखते हैं क्या क्या मिल रहा है, क्या प्राइस में मिल रहा है, और भूख भी काफ़ी लग रहा है, तो चलिए कुछ खाएंगे भी। अंदर ले चलता हूँ अभी आपको। यहाँ पे जैसे बोला, मैं कुछ खरीदने का प्लान में तो नहीं हूँ, तो खरीदने के प्लान में नहीं हूँ, देखते हैं अंदर क्या क्या मिल रहा है। मोस्टली ये पूरा सिर्फ जैसे नाम इसका है प्लैटिनम फैशन मॉल, तो इसके अंदर सिर्फ कपड़े ही आपको मिलेंगे और कुछ नहीं यहाँ पे मिलेगा। खाने पीने का ऊपर में है, फूड कोर्ट जैसे अपने यहाँ पे होता है बस, और मैकडोनल्ड्स ग्राउंड फ्लोर में है।
अभी मैं इस काउंटर से चिल्ली चिकन विथ थोड़ा राइस ऑर्डर किया हूँ। टाइम लेंगे, पहले वीडियो में जैसे देखे मैं कूपन ले आया था, कूपन ला के वो जो अपने यहाँ पे भी मॉल में जो देते हैं कार्ड देते हैं, कैश लोड करना रहता है, आप जहाँ जितना चाहे आप खा सकते हैं एंड फिर आप काउंटर पे आके दे के जो ऑर्डर करना है आप ऑर्डर कर सकते हैं, वैसा रहता है। तो मेरा ऑर्डर यहाँ पे है इस वाले में, मैं चिल्ली चिकन किमची, पता नहीं कुछ नया है, फ़ोटो देखा थोड़ा डिफरेंट लगा। याद रखना अगर आप हाई डिश खा रहे हैं आपको चावल यहाँ कम मिलता है, तो अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं तो थोड़ा देख के चावल शायद नहीं मिले। इंडियन सेंटर पे गया था, सॉरी, अगर इंडियन सेंटर वहाँ जाते हैं तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, क्वांटिटी ठीक ठाक मिल जाएगा लेकिन एक्सपेंसिव पड़ेगा। लेकिन अगर आप थाईलैंड आ रहे हो तो थाई फूड ट्राई करो या जो इंटरकॉन्टिनेंटल है वो ट्राई करो, ना ही इंडियन फूड। तो मैं अभी पहुँच गया हूँ यहाँ पे अपने टेबल पे, काउंटर से खाना मिल गया है, चलिए दिखा दूँ आपको, आपको थोड़ी देर में खाना दिखा देता हूँ। तो टेबल मिलने में मेरे को मुश्किल पड़ा, काफ़ी देर लगा टेबल मिलने के लिए एंड फाइनली यहाँ बैठ गया। तो मेरे को मेरा ये डिश पड़ा है 70 बात का, चलिए आपको दिखाता हूँ। तो मुझे ये डिश पड़ा है अराउंड 70 बात का, जो इंडियन रुपीज़ में अराउंड 150 तक ये जाएगा। ये चिकन है, राइस है और थोड़ा कैबेज है शायद ये विद सॉस। राइट, मैं अपना मैंगो जूस ले लिया हूँ और अपना कार्ड वापस करके रिफ़ंड ले लिया हूँ। 500 बात का मैं चढ़ाया था एंड खाना खाने के बाद अभी 350 बात मेरे को वापस कर दिए। टोटल मेरे को खर्चा लगा 150 बात, जिसमें एक मैंगो जूस और वो थाई राइस है, वो चिकन का वो कॉम्बो किमची चिकन विथ राइस काफ़ी अच्छा था। पेट भरा भरा लग रहा है मेरे को, मुझे नहीं पता उसमें क्या था कैसा था क्यों मेरे को पेट भरा भरा लग रहा है, पर पेट भरा लग रहा है, अच्छा है। और अभी मैंगो जूस कल उसे खा रहा हूँ और काफ़ी मीठा है, पता नहीं शायद चीनी डाले हैं। लेकिन बात वही है, मेरा लंच ख़त्म हो गया है अभी और मैं अभी छठे माले पर हूँ, तो छठे माले से अभी जाऊँगा ऑल द वे नीचे।
ऑलराइट तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, मेरा इतना ही घूमने का था इस मॉल में, आईटी सिटी करके जो ये जगह है, प्लैटिनम मॉल के ठीक बाजू में ही है ये। कुछ खास ऐसा ये मॉल नहीं है कि आपको यहाँ आके खरीदना चाहिए, बस ऐसे इमरजेंसी अगर कुछ खरीदना है या ऐसा कुछ है तब आप शायद यहाँ पे आ सकते हो खरीदने के लिए। पूरा मोबाइल वाला इससे भरा है लेकिन नॉट द बेस्ट, ये ऐसा ऐसे ही छोटा मोटा कुछ है। तो अगर आपको आना है कभी भी, ये रहा लोकेशन और यहाँ पे आप आ सकते हो इमरजेंसी का कुछ भी खरीदना है। प्लैटिनम मॉल से बस वॉकिंग डिस्टेंस है, 3 बिल्डिंग छोड़ के। बस चलिए देखते हैं कोई और जगह क्या होता है, कहाँ क्या मिलता है देखते हैं।